गांव में साथ साथ में चल करके जो है एडमिशन के लिए बच्चे देखिए कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं। सब पढ़ने आओगे ना? यस सर। ओके ठीक 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 है। सलाम आदाब और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ एंड कंट्री 2.0 में। आज मैं हूं ग्राम परसा मुर्तजा में, जहां पे हमारे एक साथी हैं जो आशीष कुमार जी, वो एक स्कूल खोल रहे हैं, तो उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। स्वागत है आपका आशीष जी। जी धन्यवाद सर। तो सबसे पहला सवाल जो जनता जानना चाहती है, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, वो ये कि आपने स्कूल प्रबंधन में कदम क्यों रखा, स्कूल खोलने का आपके दिमाग में विचार कैसे आया, इसके बारे में कुछ बताएं। जी सर, जैसा कि हमारे एरिया में जो शिक्षा थी, अभी तक शिक्षा सभी बच्चे सुचारू रूप से नहीं पा रहे थे, बहुत पिछड़ा एरिया है हमारे यहाँ का। तो हमारे दिमाग में आया कि समाज का सेवा किया जाए और बच्चों को सही रूप से शिक्षा दी जाए। जी सर। ओके चलिए ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल हैं इस एरिया में, उसमें आपका स्कूल ही जनता या पब्लिक बच्चे क्यों चुने? जी सर बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। हमारे यहाँ सर स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, जहाँ से बच्चे शुद्ध रूप से 3D में फिगर, जैसे हार्ट का फिगर हुआ या कुछ साइंस हुआ या कोई कोड समझाना हो, बच्चों को हम पूरा स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर के माध्यम से, LCD के माध्यम से बच्चों को सुचारू रूप से समझाएंगे। और हमारे यहाँ जो टीचर है सब वेल क्वालिफाइड है, और सब टीचर यही चाहते हैं कि बच्चों का सही रूप से विकास हो और बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित हों। और जैसा कि सर हमारे यहाँ के जो टीचर हैं वो सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं और सभी लोग ट्रेंड हैं। और क्या है कि हमारे यहाँ के जो आसपास में स्कूल हैं, विद्यालय हैं, सब वो इंग्लिश मीडियम तो हैं, लेकिन वहाँ पे सही रूप से इंग्लिश पढ़ाया नहीं जाता, हमको देखने में ऐसा लगा है। और बाकी हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो फुल्ली इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लायक हैं, वो सब अच्छे से सिलेबस कवर करेंगे। और हमारे यहाँ जो बच्चे आएंगे वो आप 1-2 महीने बाद देखिएगा, थोड़ा वो लोग फुल्ली इंग्लिश बोलेंगे। और सर जो हमारे जनता है, मैं चाहूँगा कि इस अवसर का लाभ उठाए और हमारे स्कूल में भेजे बच्चों को, और जिससे उनके बच्चों का भविष्य सही रूप से शिक्षा की तरफ अग्रसर हो। सर हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, कमजोर बच्चे हैं, कमजोर, उन लोगों को हम 2 घंटा एक्स्ट्रा क्लास भी देंगे निःशुल्क, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा बच्चों का। और हर महीने में टीचर्स मीटिंग भी होगी और मंथली टेस्ट भी करवाएंगे, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें और उनको पता चले कि हमारा मूल्यांकन कैसा हो रहा है, जिससे हम लोग ये भी पता पाएंगे कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसा उनमें सुधार आ रहा है बच्चों में। और हर महीने में हम लोग टीचर पेरेंट मीटिंग अवश्य कराएंगे। हम आपसे व्यूअर्स जो है हमारे ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या, आपके यहाँ जो है ना और स्कूलों के मुकाबले में फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका, और जनता से आपका क्या सहयोग सपोर्ट मिल रहा है आपके ऊपर, पब्लिक जो है जिनसे मिल रहे हैं आप वो विश्वास कर रहे हैं? जी सर, जैसा कि सब लोग जब जानते हैं कि हमारे यहाँ नज़दीकी में अगर स्कूल खुल रहा है तो जनता में काफ़ी उत्साह है और सभी लोग सही रूप से मतलब प्रचार प्रसार में भाग ले रहे हैं। और फीस स्ट्रक्चर का क्या मामला है सर, हम लोग फीस उतना ही रखे हैं जितने में, जैसे हमारे यहाँ का ये जो वर्ग है पिछड़ा वर्ग है सर, तो सब लोग फीस एफर्ड कर सर्वाइव कर सकें, और हम लोग फीस उतना ही रखे हैं जितने में हम लोगों का काम चले, ज़्यादा फीस नहीं रखे हैं सर। जी चलिए। तो आपसे व्यूअर्स हमारे जानना चाहते हैं कि आपको जो मिलने वाले बच्चे हैं ज्यादातर प्राथमिक पाठशालाओं से होंगे, जो हिंदी मीडियम से आते हैं, उनको आप इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन कैसे दे पाएंगे? जी सर बिल्कुल। सर ये जो हमारा क्षेत्र है रूरल एरिया में है, तो यहाँ के जो बच्चे हैं कोई भी प्राइमरी से पढ़ के आया है, कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आया है, कोई मॉन्टेसरी से पढ़ के आया है, तो सर ये बच्चे जो आते हैं इस अप्रैल माह में, तो हम अप्रैल में सिलेबस थोड़ा कम चलाते हैं, सिलेबस नहीं चला रहे हैं, इसलिए कि बच्चे कवर कर ले जाएं ढंग से, और बच्चों को वही जनरल क्लास चलाते हैं कि वो हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएं, और बच्चे उसमें जब सीख जाएंगे अप्रैल मंथ में,
तो अप्रैल मंथ में सीखने के बाद हम फिर सिलेबस इंग्लिश मीडियम से चलाएंगे मई में, जिससे बच्चे सही रूप से समझ जाए। जी सर, चलिए बहुत खूब। थे आशीष कुमार जी जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में उतरे हैं और ये स्कूल स्थापित कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, और निश्चित रूप से जो है अगर ये मेहनत करेंगे तो इनको सफलता कदम चुमेगी, और जो इनका मुख्य उद्देश्य है कि ये अपने क्षेत्र के लोगों को जो है जागरूक कर सकें, शिक्षित कर सकें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकें और सरकारी नौकरियों में उनका सिलेक्शन हो। तो आशीष कुमार जी को हमारी शुभकामनाएं हैं कि उनको जरूर कामयाबी मिले उनके इस मिशन में। इसी के साथ दिवस मैं आपसे ही विदा चाहूंगा। अब जो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, गुड बाय।